भाई नमस्कार, सभी दोस्तों का स्वागत है नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में। और नागौर का श्री रामदेव पशु मेला जो ऐतिहासिक मेला रहता है राजस्थान का, और राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता हुआ ये रेगिस्तान के जहाज जो आप देख रहे हो, उस मेले की शुरुआत हो चुकी है। लगभग है जो काफ़ी जानवर आप ऊँट कैमरे में देख रहे होंगे, तो काफ़ी संख्या में है जो ऊँट है जो पहुँच गए हैं। काफ़ी जो विदेशी भी इस मेले में थिरकत करने के लिए आते हैं। आप कुछ विदेशियों को भी कैमरे में अगर आपको दिख रहे हैं तो देख रहे होंगे। भाई ऐतिहासिक मेला रहता है राजस्थान के नागौर का, और मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा मेला और ऐतिहासिक रहता है, जिसमें सुप्रसिद्ध नागौर के नागौरी नस्ल के जो बैल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ऊँट भारी संख्या में आते हैं। हर प्रकार की नस्ल के ऊँट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सांचौर नस्ल, जालौर नस्ल, और चूरू साइड के, इस साइड के, गंगानगर साइड के आपको बहुत सारे जो ऊँट है इस मेले में देखने को मिलते हैं। तो भाई कौन कौन आ रहा है इस ऐतिहासिक मेले का हिस्सा बनने के लिए वो ज़रूर बताए। और ये मेला भाई फुला पूरा मेरे ख्याल से जो फुल भर गया है, ऊँट काफ़ी संख्या में है जो आ गए हैं इस मेले में। और जो फेमस नागौरी भाई बैल होते हैं वो भी इस मेले में काफ़ी संख्या में है जो पहुंच गए हैं। और घोड़े भी भाई, मैं घोड़े भी आपको दिखाऊंगा। तो भाई कौन कौन है जो आ रहा है इस मेले में ज़रा बताए। और 18-19 तारीख तक ये मेला है जो नागौर का चलने वाला है। नागौर के प्रसिद्ध नागौरी जो बैल है वो सबसे ज़्यादा संख्या में आपको इसी मेले में मिलते हैं। और यहाँ ख़रीदने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब सभी स्टेट से जो नागौरी बैल की ज़्यादातर बिक्री खरीद फरोख्त होती है। तो आप देख रहे हो ये जो बैल बंधे हुए हैं तेज़ तर्रार और बहुत ही उम्दा नस्ल के ये बैल होते हैं, जिनकी पंजाब हरियाणा में रेस करवाई जाती है, और कुछ है जो खेतीबाड़ी के काम में भी आते हैं ये बैल आप जो देख रहे हो। भाई मेला है जो पूरा है जो मुझे लगता है परवान पे है, और अब की बार है जो मुझे लगता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इस मेले के लिए, बजट अच्छा पास हुआ है। तो सुविधाएं और डेकोरेशन को अगर देखे तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा जो मेला है वो भरने वाला है इस बार। और मैं आज ही दोस्तों यहाँ इस मेले में पहुँचा हूँ, तो आपको मेले का रुख है जो वो बता रहा हूँ। नागौरी नस्ल के बैल के अलावा आपको यहाँ पे देसी नस्ल के जो बैल हैं जो रेस में खेती में चलने वाले हैं वो बैल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बैल है जो काफी लोग है जो खरीद के ले जाते हैं यहाँ से नागौर से। और काफी लोग है जो कमेंट भी करते हैं कि नागौर का मेला कब भरेगा, तो विशेष तौर से जो महाराष्ट्र और हरियाणा और पंजाब के जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को इस वीडियो में, तो वो भाई मेले में आ सकते हैं और यहाँ से बैल खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ऊँट और बैल भाई काफ़ी संख्या में आए हैं इस मेले में। और
ये देखिए इस तरीके के सुसज्जित बैल, कितने शानदार जो बैल है वो आपको आकर्षित करते हैं खरीदने के लिए। तो ऐसे बैल अगर आपको चाहिए खेती के लिए, रेस के लिए, तो भाई आप आ सकते हो नागौर के इस ऐतिहासिक मेले में, श्री रामदेव पशु मेला। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे घोड़े आते हैं, घोड़ों के भी एक झलक है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये घोड़े अभी कितने क्या आए हैं इस मेले में। तो भाई दोस्तों वो एक एरिया होता है जहाँ पे ऊंट और कुछ बैल रहते हैं, और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये भाई दुकानें वकानें भी सजने लग गई है यहाँ पे, और मेला लगभग जो परवान पे चढ़ गया है नागौर का श्री रामदेव पशु मेला। और भाई अब की बार है जो पूरे मेले के जो बाउंड्री यहाँ पे कर दी गई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पूरे मेले के जो बाउंड्री करी है, और ये इस तरफ दोस्तों है जो घोड़े आते हैं कुछ, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी तक तो ज़्यादातर तो जो बैल ही देखने को मिले हैं इस मेले में। भाई खूबसूरत खूबसूरत जो बैल है जो आपको इस मेले में देखने को मिलते हैं नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में, ये देखिए ऐसे सजाए हुए, काफी लोग वही आते हैं इस मेले में। और वैसे देखा जाए तो ये सुप्रसिद्ध ये नागौरी बैलों का ही मेला रहता है जो आप देख रहे हो, लेकिन कई सालों से क्या है यहाँ पे घोड़े भी है जो आने लगे हैं, और कुछ अच्छे घोड़े भी आ जाते हैं भाई इस मेले में। ये भाई किसी ने बढ़िया सेटअप किया है यहाँ पे, और यहाँ पे भाई कुछ स्पेशल है जो बैल है वो आए हैं भाई, कोई चैंपियन बैल है, उन्हीं का मैं आपको जो वीडियोज है जो वो दिखाऊंगा। नागौर मेले में मैंने आपको दिखाए थे ऊंट और बैल जहां बंधे हुए वहां पे, और भाई दुकानें लग गई है। और ये जो आप देख रहे हो ये इस तरफ है जो घोड़े आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे अभी भी जो भाई मेले में जो देखिए घोड़े भी है जो पहुंच गए हैं। भाई घोड़े भी है जो पहुंच गए हैं मेले में। ये इसमें पूरे में है ना घोड़ों का अब की बार है जो इस मेले में अलग ही किया है, और एक तरफ जो ऊंट है, एक तरफ बैल है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट भाई बांट दिए गए हैं।
अभी भी स्टोरिया भाई ये लगी हुई है खाली, तो अब की बार स्टोरिया भी काफ़ी लगी है, तो घोड़े भी भाई आएंगे इस मेले में। ये देखो भाई Oh,